एक बार एक अमीर इंसान अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था। ऑफिस में चल रही वो सारी बातों से वो बहुत टेंस था और उसका मूड ऑफ था। सडनली उसकी नजर रास्ते पे एक भिखारी पे पड़ती है। जैसे ही वो भिखारी को देखता है उसका मूड चेंज हो जाता है। वो भगवान को याद करता है और भगवान को कहता है, थैंक यू भगवान, मैं कितना नसीब वाला हूँ, मुझे ऑफिस के थोड़े बहुत टेंशन है पर मैं भिखारी नहीं। वो भिखारी जब भीख मांग रहा है सडनली उसके सामने से एक पागल गुजरता है जिसका हाल बेहाल है, कपड़े फटे हुए हैं और रास्ते पे वो पागलपन कर रहा है। जैसे ही ये भिखारी उस पागल को देखता है भगवान को याद करता है और कहता है, थैंक यू भगवान, मैं कितना नसीब वाला हूँ, मैं भिखारी तो हूँ पर मैं पागल नहीं। अब वो पागलपन करता हुआ पागल आगे बढ़ता है एंड सडनली उसके आगे से एक एम्बुलेंस गुजरती है। जैसे ही वो एम्बुलेंस को देखता है तो सोचता है कि हे भगवान, थैंक यू सो मच, मैं कितना नसीब वाला हूँ, मैं पागल तो हूँ पर मैं बीमार नहीं। अब ये बीमार इंसान फाइनली हॉस्पिटल पहुँचता है और जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है उसके सामने से एक डेड बॉडी गुजरती है एंड वो डेड बॉडी को देख के सोचता है, थैंक यू भगवान, मैं कितना नसीब वाला हूँ, मैं बीमार तो हूँ पर मैं मरा नहीं। एंड अब ये मरा हुआ इंसान कुछ नहीं सोचता, वो थैंक यू भी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। यानी इस दुनिया में हर एक इंसान भगवान को थैंक यू कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान नहीं कह सकता और वो है मरा हुआ इंसान। एक डेड इंसान किसी का थैंक यू नहीं कहेगा। तो पूछो अपने आप को कि जिंदा हो कि मर गए। अगर जिंदा हो तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए दिन भर आप भगवान को थैंक यू कह सकते हैं, बट नहीं, हम थैंक यू नहीं कहते, हमारा तो पूरा दिन कंप्लेन्स में चला जाता है। तो दोस्तों कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जिंदगी में कितने सारे वरदान आशीर्वाद हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। कि कुदरत के प्रति कृतज्ञता की भावना कितनी इंपॉर्टेंट है, कुदरत ने हमें कितना दिया है हम हैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, और क्या नहीं दिया बस उसी की बातों के बारे में चिंता किए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो लाइफ में अगर खुश रहना है ना तो ये फंडा अपनाओ, अपने ब्लेसिंग्स को चेक करो और दिल से भगवान को थैंक यू कहो। अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, और अभी भी अगर आप कंप्लेन मोड में है ना, तो चलो आपकी सारी कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए मैं आपको तीन प्लेसेस सजेस्ट कर रही हूँ। जिंदगी में ना ये तीन प्लेसेस पे जरूर जाके आओ। जिस दिन इस तीन प्लेसेस पे जाओगे तो आपको खुश रहने का रास्ता मिल जाएगा। तीन प्लेसेस है, हॉस्पिटल, जेल एंड स्मशान। जिस दिन आप हॉस्पिटल की विजिट करके आते हैं तो पता चलता है कि हमारी हेल्थ जो भगवान ने हमें दी है वो कितनी अनमोल है। जब आप जेल की विजिट करते हैं ना तो आपको अपनी फ्रीडम की कीमत होने लगती है, एंड जब आप स्मशान में जाते हैं तो पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये लाइफ कितनी प्रेशियस है, ये लाइफ कितनी सुंदर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज वर्थ लिविंग, प्लीज लिव इट फुल्ली। जिंदगी जब चली जाती है उसके बाद में उसकी वैल्यू होती है। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी हमें दी गई है, तो उसका धन्यवाद करिए। तो सिंपल, थैंक यू कहते चलिए, अपने ब्लेसिंग्स काउंट करते चलिए और जिंदगी को खुशी खुशी जीते चलिए।